अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होगी। आज आप देख रहे होंगे मैं पियानो पर बैठा हूँ, दिल तो बड़ा कर रहा है कि बजाए हम आज शो में मैं ही पियानो बजाऊँ, लेकिन मैं नहीं बजाऊँगा। मैं तो यानी ढोलक बजाऊँगा और शामिल भाई हैं हमारे साथ कीबोर्ड्स पर, वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर तक, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे हमारी जैमिंग में। हमारी सारी टीम मौजूद है और नौमान भाई पता नहीं क्यों सोने लगे हैं, लगता है शो नहीं करना आज का। अभी बस बी रेडी, और हमारे साथ हमारे न्यू जनरेशन के शजील भाई हैं आज, बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं, और उम्मीद है आप सबको आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट वो बहुत पसंद आएगा। सो लेट जॉइन अस, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हर वेले तांगा यार दिया, मैं ता बैठी काग उड़ारा, आप वंझा के मैं कासद भेजा, गुलाम फरीदा मैं तो वे जिवे बिछड़िया गूंज कतारा, मुझे ये बताया शजी के बिकॉज हमारे ये शो जो है यूथ में बहुत पॉपुलर है, एंड बिकॉज हम यूथ को ही रिप्रेजेंट करते हैं दोनों, फॉर्चुनेटली ठीक है, बिकॉज हमारी अभी इतनी उम्र नहीं, गाने से जज ना कीजिए। तो मुझे ये बताएं शजी के आपका, आप जब आप ये बात करेंगे तो उसकी ये उसके मानी ज़्यादा इसलिए होंगे बिकॉज लोग आपको अभी सुन चुके हैं। आप मुझे ये बताइए कि लोग कहते हैं कि इट्स मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी से सीखें, या इसमें नसीब बड़ा काउंट करता है, इसमें लक बड़ी काउंट करती है, वो सोल किधर से लेके आएंगे, वो फील किधर से लेके आएंगे। आप ही बताइए कि सीखना कितना कोई इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट को। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी काम है म्यूजिक से हटके भी, आपको जब तक आप सीखते नहीं आप उसकी डीप तक नहीं जाते, ठीक है। और म्यूजिक की जहाँ तक बात है, ये तो सीखे के बिना आता ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप जब तक सीखते हैं आपको पता चलता है, और फिर आप मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि सुरीला
खुदा बनाता है, रसीला इंसान खुद करता है। तो आपका जितना रियाजत है या आप जिनसे आप सीख रहे हो, ठीक है, कितना आप उसको टाइम दे रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हो। और रियाज करना आई थिंक सो के मेरा ख्याल है कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, म्यूजिक को तो बहुत ज़रूरी है, और बेस क्लासिकल आपको ज़रूर आना चाहिए। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं ना कि क्लासिकल क्यों सीखे जी, हमने कौन सा क्लासिकल गाना, तो पहले तो मैं ये गलतफहमी लोगों को दूर कर दूँ कि क्लासिकल गाना आज के दौर में आई थिंक मुझे नहीं समझ में आ रही इस वक्त जहन में कि एक या दो लोग होंगे टोटल शायद पाकिस्तान में जो क्लासिकल गा सकते हैं। क्लासिकल की गायकी कुछ और गायकी होती है, ताने पलटे याद कर लेना या कोई ठुमरी याद कर लेना या एक तान कह लेना या यू नो कोई मुर्की अच्छी सी बारीक सी बात कर लेना मुर्की के अंदाज में या फिर कोई राग 13-14 याद कर लेना, क्लासिकल म्यूजिक नहीं होता। तो जो ये लर्निंग की बात होती है वो बेसिकली इसलिए नहीं होती कि आपने क्लासिकल गाना है। अगर आप पॉप भी गाना चाह रहे हैं, अगर आप मॉडर्न भी गाना चाह रहे हैं, तो वो आपका रायगा कभी नहीं जाएगा, वो काम ही आएगा ऐसे ही। अच्छा, आपकी गायकी से मुझे पटियाला घराने की खुशबू आती है। मेरा घराना है। वाह, ये तो देखें आप मुझे अच्छा एक लिसनर भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि मुझे आपको सुनते साथ ये फीलिंग आई कि आपका ताल्लुक जरूर पटियाला घराने से होगा, क्योंकि वो एक खास अंदाज जगह कहने का एक वो जो खर्च है आपको एक अंदाज है वो एक अलग है। सो आप मुझे बताएं कि बीइंग अ यंगस्टर यू कुड हैव ऑप्टेड फॉर मॉडर्न म्यूजिक, वेस्टर्न कर सकते थे, आपने क्लासिकल में इतनी मेहनत की? ये मुझे बड़े सारे नौजवान भी पूछते हैं कि आप क्यों ये कर रहे हैं। एक्चुअली मैं इसमें फील बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा मैंने शुरू से मुझे था कि म्यूज़िक जो है कि मतलब मैंने शुरू से ही पता नहीं मैंने अच्छे लोगों को सुना। बचपन में मैंने ज़्यादा जो सुना था वो उस्ताद अहमद अली साहब को, वाह 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 वाह, जो कि मेरे बाबा जी हैं जिनसे मैंने तालीम ली, वाह वाह वाह, और उनको मैंने बहुत ज़्यादा सुना, ठीक है, और मैंने देखा, मैंने कहा यार इन जैसा गाना करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए बचपन में ही। तो फिर वहाँ से मैंने सीखा कि ये जो काम है यही मैंने करना बचपन से, छोटे होते से, ठीक है, मतलब मैं तब 8 साल का Got it. तो उस वक्त से आपकी ये रियाजत का सिलसिला जी फ्रॉम दैट डे जी। अच्छा शर्जील, आई हैव अ वेरी गुड ट्रीट फॉर यू, स्पेसिफिकली फॉर यू, आपके लिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली मेरे पर्सनल फेवरेट सिंगर जो अगर लिस्ट बनाऊँ पाकिस्तान की तो उसमें शायद टॉप 3 में का शुमार ज़रूर होगा असद अमानदार खान साहब। तो चल के ज़रा उनकी कोई बहुत प्यारी सी चीज़ सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। तो फिर अभी प्रैक्टिस वगैरह तो जारी है, अभी शो किधर स्टार्ट हुआ जी, अभी तो 10-12 महीने ठीक ठाक जो है खिंचाई करनी है हमारी लेट आने पे। तो एनीवेज अभी चलते हैं, असद भाई का एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं। मेरा नाम शान्याल है और टुडे आई एम हियर विद माय ब्रदर एंड हिज यंगर ब्रदर हिज नेम इज शकील खान एंड वी यूजुअली जैम अलोंग यू नो यूजुअली वी गो आउटसाइड एंड डू जैमिंग ऑल द टाइम एंड टुडे वी आर हियर इन म्यूजिक लैब एंड वी आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू गाइस। यहाँ पे माइनर कोई मजेदार सी तेरे बिना दिल घबरा
सजाद मीरा है और मैं इस प्रोग्राम म्यूजिक लैब की पोस्ट प्रोडक्शन करता हूँ. बहुत से प्रोग्रामों की पोस्ट प्रोडक्शन करता हूँ लेकिन ये प्रोग्राम आपको बताऊँ तो दिल से इस प्रोग्राम की पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत मज़ा आता है. एक बड़ा डिफरेंट जॉनर का प्रोग्राम है म्यूज़िक. बहुत कम ऐसे प्रोग्राम देखे हैं किए हैं जो इस किस्म का प्रोग्राम हो, इसलिए इस प्रोग्राम की पोस्ट प्रोडक्शन में मज़ा भी बहुत आता है. और हम लोग आप जो बाकी प्रोग्राम करते हैं उसमें आपको प्रोडक्शन करते मज़ा नहीं आता? नहीं, उसमें मज़ा आता है, इसमें बहुत मज़ा आता है. मेरी बात सुनी नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है और ये मैनेजमेंट भी देखेगी. देखिए जी, बाकी प्रोग्राम जो है इसका मुझे स्क्रीन पर मिल गया है ना, इसलिए मैं बनता है. तो इस तरह से म्यूज़िक का प्रोग्राम बहुत कम देखा, किसी भी चैनल पे मैंने इस तरह से प्रोग्राम नहीं देखा. और बड़ी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सारी टीम को. बहुत अच्छा म्यूज़िक जॉनर का अपन मिक्स करते हैं. मैं लेकिन म्यूज़िक को इतना नहीं समझता लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम की पोस्ट प्रोडक्शन करते हुए इसको देखने में बड़ा मज़ा आता है और आपको भी मज़ा आता होगा. इसमें मैं भी अपनी एफर्ट शामिल करता हूँ और इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए मज़े की बात है कि इसका एंकर और इसका प्रोड्यूसर दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए बड़ा अच्छा एक एज ए टीम वर्क इसमें काम होता है. बहुत शुक्रिया. अच्छा पाकिस्तान के टू चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम यूनिवर्स को. म्यूजिक लैब एक नया शो जो कि आप देख रहे हैं, उसकी एपिसोड आज उसकी एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ हम हाजिर हुए हैं. मैं हूं सरोज गौहर, बेसिस एट म्यूजिक लैब. आज हमारे साथ हैं शर्जील खान जो कि एक बहुत ही क्लासिकल ज़बरदस्त सिंगर हैं. आज हम आपको एक और एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ एक क्लासिकल जॉनर के साथ मिलेंगे. आई होप यू विल एंजॉय इट. थैंक यू. राजा बलम
इस टाइम बड़ा हैवी हो गया और बड़ा ज़बरदस्त हार्ड कोर हम यू नो ठुमरियों पे चले गए हैं सेमी क्लासिकल पे चले गए हैं आई रिपीट वंस अगेन इट्स नॉट क्लासिकल ये आप सुन रहे हैं क्लासिकल नहीं है इट्स सेमी क्लासिकल और हम तो ख्वाहिश ही कर सकते हैं क्लासिकल सुन लेना भी एक बड़ी बात है तो गाना तो बहुत दूर की बात है एनीवेज ही बहुत एक खूबसूरत सिंगर ज़बरदस्त मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हैं आई एम श्योर आपके भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होंगे शफकत अमानत अली साहब उनका सॉन्ग सुनते हैं चलते हैं देन जब वापस आएंगे तो हम थोड़ा सा और भी डिस्कशन करेंगे म्यूज़िक के हवाले से अस्सलामु अलैकुम कैसे हैं आप लोग सब ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे मुझे कहते हैं नुमान लशारी एंड वंस अगेन आपके सामने विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो जिसका नाम है म्यूजिक लैब और आप सोच रहे होंगे कि ये सुपरमैन किधर से आया है उड़ता उड़ता तो मैं आपको पता है ज़रा थोड़ा सा यू नो लोगों की लाइफ सेव कर रहा था तो उसके बाद यू नो काम से मैं फिर उकता के मैंने सोचा कि अपना ये शो भी देख लूँ मैं और मेरे साथ जो है वो सुपर हीरोज़ मौजूद हैं हमेशा की तरह हमारा जो इन हाउस बैंड है ऑफ दिस शो जिनके बगैर ये शो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है आपको शो के फॉर्मेट का अब तो पता चल ही गया होगा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है सो आज भी हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं लेकिन उससे पहले कि हम गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाएं हम अपने इन हाउस बैंड का इंट्रोडक्शन करवाएंगे इंट्रोडक्शन की इनको ज़रूरत अब खैर है नहीं और किसी दिन मुझे लग रहा होगा लगता है कि ये मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे होंगे तो मेरे साथ मौजूद है बहुत ज़बरदस्त किस्म के बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है एंड बहुत अच्छा इनको सेंस ऑफ म्यूज़िक भी है सरोश अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई क्या हाल है सर जबरदस्त आप वालेकुम सलाम आज तो वही सुपरमैन आज जरा मैंने कहा यार आप लोग हमेशा ग्लासेस पहन के आते थे मुझे बताते ही नहीं थे मैं घर छोड़ आता था मैंने कहा चलो आज मैं भी जरा कूल डूड नहीं बड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आज रेड जो है बहुत अच्छा लग रहा है और रेड मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा वैसे भी फेवरेट है जबरदस्त इट रिमाइंड्स मी ऑफ 14th फरवरी ऑलराइट जी विद सरोश हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन बहुत अच्छे भाई हैं मेरे और शहजादे हैं और अभी हेयर कट करवा के ये और भी क्यूट लग रहे हैं इनकी जो किलर स्माइल है वो और निखर गई है हमारे साथ मौजूद हैं शामिल थैंक यू वालेकुम सलाम शामिल क्या हाल है भाई हमेशा अब हम मेरी ज्यादा ही तारीफ करते नहीं, बहुत आप सोच से ज्यादा के हकदार हैं लेकिन शामिल आप हेयर कट में बड़े अच्छे लग रहे हैं थैंक यू जी थैंक यू और ये आपको ख्याल देर से आया लेकिन तो क्या दूर पड़ता था वो हेयर ड्रेसर नहीं मैं जरा गया होता छुट्टियों पे छुट्टियों पे जबरदस्त जी शामिल के साथ मौजूद हैं उनका नाम है हमेशा कहता हूँ यार मुझे इनका नाम लेते हुए बड़ा ऐसा लगता है कि जिस तरह मैं ना इटली की सड़कों के ऊपर वॉक कर रहा हूँ और मेरे सामने अचानक से एक बंदा गुजरा जिसने लॉन्ग कोट पहना है एंड यू नो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और अंडरग्राउंड कोई एजेंट है लेकिन वो ऐसे नहीं है वो म्यूजिशियन है और बहुत अच्छे म्यूजिशियन उनका नाम है पॉल वॉटकिंस वालेकुम सलाम यू आर लुकिंग सो ग्रेट टुडे अरे थैंक यू वेरी मच यार बस क्या करूं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सीरियसली आप तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप तीनों एक दूसरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आज की जो एपिसोड है जी वो हम एक स्पेसिफिक जॉनरा को डेडिकेट करेंगे और वो जॉनरा बहुत ज़बरदस्त किस्म का है और मेरा बड़ा फेवरेट है एक घराना है जिसको हम सब बहुत चाहते हैं और उसकी जो गायकी है बड़ी मज़ेदार किस्म की और उसका एक अपना एसेंस है सो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो सेमी क्लासिकल लवर्स हैं म्यूज़िक लवर्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए बिल्कुल ज़रूर सो आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त और टैलेंटेड गेस्ट मौजूद है मैंने इनको जब सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा वो इसलिए कि अपनी एज से माशाल्लाह बहुत मैच्योर गाते हैं और बड़ी इनकी रियाजत है और बहुत अच्छा गाते हैं पुख्ता गाते हैं और इनकी आवाज़ आप जब सुनेंगे तो आपको ख़ुद भी मज़ा आएगा मेरे साथ मौजूद हैं शर्जील खान अस्सलाम वालेकुम आपको पता है मेरे भाई का नाम भी शर्जील है अच्छा सो आपका नाम मैं जब भी ले रहा हूँ तो मुझे उनकी याद आ रही है अच्छा। कैसे हैं आप शर्जील जी बिल्कुल ठीक ठाक आप सुनाए कैसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपकी आवाज़ से भी लगता है कहते हैं ना रियाजत करने वाले बंदा जब बोलता भी है ना तो पता चलता है कि यार इसने रियाजत काफ़ी की हुई है ये अभी तो मेरा गला ख़राब है ख़राब वाले गले का मसला ओके ये तो खैर सीज़न भी ऐसा है मौसम भी ऐसा है और जो रियाजत करने वाला शख्स होता है वैसे भी वो ही गेट्स अवे विद वो जो अगर उसका फ्लू भी हो ना तो वो निकाल जाता है अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल ऐसे ही बहुत मज़ा आने वाला है जी आपके साथ बड़ी गपशप भी लगाएंगे और आपको सुनेंगे भी बड़े शौक से मेहरबानी और आपके साथ जो मौजूद हैं जेंटलमैन बड़े क्यूट से हैं और यंग से हैं और उनका नाम आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत कह दूँ शानियाल
शानियाल, यार मेरी मेमोरी अब बेहतर होती जा रही है. शानियाल, यू गॉट अ वेरी डिफरेंट नेम, और इसका पहले तो बताओ मतलब क्या है. ऊंची शान वाला. ऊंची शान वाला, वाह, ऊंची शान वाला, ये अच्छी बात है. ऑलराइट जी, आज बड़ा मजा आएगा, और हमारा इन हाउस बैंड और आप ने और मैंने, हम सब ने मिलके कुछ प्रिपेयर भी किया बड़ा जबरदस्त किस्म का. और सिंस द नेम ऑफ द शो इज म्यूजिक लैब, तो इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक भी करते हैं और मुख्तलिफ जॉनराज को मिला के हम कोशिश करते हैं कि एक साउंड हम क्रिएट करें. और खैर जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं. मुझे ये बताएं शजील, कि इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत का आगाज़ करूं, वो तो हम करते ही रहेंगे थ्रू आउट द शो, आप मुझे बताएं कि फर्स्ट सॉन्ग आप कौन सा गा रहे हैं. मैं असद अमानत अली खान साहब का सॉन्ग है उमरा लंगियां पब्बा पार. वाह 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 वाह. आपको इस बात का पता है, शायद मैंने आपको बैक स्टेज भी बताया था कि जब हम जैमिंग कर रहे थे, कि असद अमानत अली खान साहब मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे. मैं ये समझता हूँ कि वो जो उनका वोकल टोन था, वो जो एक उनका वोकल रेंज था, और जो उनकी आवाज़ से ख़ास किस्म की खुशबू आती थी, उसमें आपको फोक भी नज़र आता था, क्लासिकल अंग भी नज़र आता था, प्लेबैक वाला अंग भी नज़र आता था. ही हैड अ वेरी मॉडर्न वॉइस. बिल्कुल. तो इससे पहले कि हम बातचीत करते रहेंगे थ्रू आउट द शो, तो चलते हैं और आपके पहला सॉन्ग सुनते हैं. हर वेले तांगा यार दिया, मैं ता बैठी का गुडारा आप मंझा के कासद भेजा मेरा थी गयो हाल बीमारा गुलाम फरीदा मैं तो जीवे विछड़िया कूंज कतारा we
जबरदस्त, वेरी नाइस. आपने बड़ा पक्का और बड़ा पुख्ता गाया है इसको. तो मुझे ये बताएं कि शजील रियाजत कितनी करते हैं दिन में? दिन में तो कभी कभार नहीं होती, ठीक है, बट कोशिश करता हूँ कि दिन में 3 घंटे तो ज़रूरी होनी चाहिए. 3 घंटे रियाजत? जी. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त. अच्छा, और मुझे ये बताएं, बिकॉज रियाजत जो है वो गुनगुनाने को नहीं कहते, क्योंकि हमारा ये यंगस्टर भी प्रोग्राम देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो कुछ गलत मैसेज उन तक पहुंच जाए. रियाजत में बाकायदा यू नो यू स्टार्ट ऑफ विद वार्मिंग अप योर वोकल कॉर्ड. बेसिकली किसी भी सिंगर के लिए वार्म अप करना, जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले हम वार्म अप करते हैं, सो गाने से पहले भी वार्म अप करते हैं, तो उसको मिला के कुछ तकरीबन 3-1 घंटे का ये सेशन बनता है. आप मुझे बताइए कि किस पहर में, यानी दिन के किस टाइम पर आप रियाजत करते हैं? एक्चुअली मैं रियाजत का टाइम तो जब आपका मूड हो. ये बड़ी अच्छी बात आपने, बड़ी अच्छी बात की, ठीक है, मूड हो. वैसे रियाजत का टाइम जो है वो सुबह का है, सुबह तकरीबन 4 बजे का. अच्छा. जब खामोशी होती है और आप वैसे भी आराम करके उठते हैं, तो फिर आप रियाजत करें तो आप वैसे रिलैक्स होते हैं. वैसे भी या आप दोपहर के 4 बजे तो नहीं कह रहे, क्योंकि हम उतने बजे उठते हैं. हाँ ठीक, आप कह रहे हैं, बट ये है कि वैसे कि जो टेक्निकली यू आर राइट, के जो असल तरीका है, जो यू नो बुजुर्गों का बताया हुआ, वो यही है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वो कहते हैं ना. और ये हर फील्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ यू राइज अर्ली, तो उससे होता ये है कि आपके काम में बड़ी बरकत आती है. एंड आई हैव सीन पीपल, मैंने अपने जिंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं जो सुबह सवेरे रियाजत करते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी आवाज़, क्योंकि उस टाइम पर बड़ी ड्राई होती है और बड़ी रॉ होती है, उस टाइम पर अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो थ्रू आउट द डे आपके लिए गाना बड़ा आसान हो जाता है. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो सीखने के सिखाने का सिलसिला, और आपने अपने उस्ताद जी का जिक्र किया, हामिद अली खान साहब, वो हम सब के यू नो बड़े फेवरेट हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं. मुझे बताएं, आज के दौर में भी जो सीखना होता है, गायकी सीखनी मुश्किल है? यानी डांट डपट पड़ती है और बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं? ये सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है. डांट, मैं कहता हूँ कि जो अगर आप अपने टीचर की डांट नहीं खाते तो आप कुछ नहीं बन सकते, ठीक है. तो डांट खानी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके पीछे एक सबक होता है आपके लिए. सही. और कुछ भी करने के लिए आपको, देखिए, टीचर तो अगर डांटेगा तो वो उसमें आपकी भलाई होगी उसमें, ठीक है. और दूसरा ये है कि पापड़ तो बेलने पड़ते हैं, और ये काम भी ऐसा है कि बड़े पुराने गाने वाले भी कहते थे कि जो खिदमत करके ले जाता है वो पैसे दे के नहीं लेता. वाह वाह, कितनी अच्छी बात है.
तो इस तरह से फिर खिदमत करना और भी बहुत सारे काम हैं, बट ये खिदमत से आता है अगर ये क्लासिकल आप सीखते हो तो। और मेरे ख्याल है आप लोगों से भी ये पूछूंगा कि आजी जो है इस फील्ड के अंदर बड़ी ज़रूरी है, और मैंने तो खैर जितना भी मेरा सफ़र रहा है बड़ा यू नो एक लिमिटेड सा रहा है, लेकिन मैंने उसमें ये देखा है, मैंने जितने बड़े फनकार देखे हैं वो उतने ही आजिज देखे हैं, यानी उनको ये लगता है कि उनको अभी कुछ नहीं आता, तो ये आजी इंसान को किधर लेके जाती है सरोज? बिल्कुल इधर से आगे लेके जाती है थोड़ा सा नहीं, इधर से इधर रिजवान भाई, बात दरअसल ये है कि इस फील्ड में ना आजीज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसा काम है कि सारी उम्र नहीं आता बंदे को, नहीं आता। अगर आप एक या दो साल या मोस्टली पाँच साल लगा के कहते हैं कि जी मैंने बहुत कुछ सीख लिया, तो यू आर रॉन्ग। हाँ, यू आर रॉन्ग, यस। और बहुत छोटे छोटा सा एक वाक्य आपसे शेयर करूँगा कि ग़ुलाम अब्बास साहब हमारे मुल्क के लेजेंड, उनके साथ मैं एक दफ़ा एक सिटिंग थी मेरी, और मैं तो खान साहब मैं तो स्टार स्ट्रक हुआ उनको देख के ही ना, उनका काम सुन के मैंने कहा यार ये कौन सी दुनिया है। तो मैंने कहा खान साहब इससे भी अच्छा कोई गाता होगा, तो कहते हैं बेटा एक दफ़ा मैं इंटरनेशनल एक कॉन्सर्ट पे था, तो वहाँ पे फिनाले यानी मेरे से इख्तिताम होना था, तो आई वाज द मेन सिंगर ऑफ दैट, तो मेरी बड़ी आवभगत हो रही थी, बड़ी खातिर मदारत हो रही थी, बिकॉज पीपल न्यू मी और वहाँ पे मुझे सुनने के लिए आए थे। कहते मुझसे पहले जिस लड़की ने परफॉर्म करना था वो इटालियन लड़की थी, और उसकी उम्र तकरीबन कोई 16-17-18 साल होगी, और यू नो बाल भी बेतरतीबे से, और जैसे उठ के बस घर से ऐसे ही चल के आ गई है, उसने एक गिटार भी उठाया हुआ था। तो अब मैं उसकी हालत देख के ही सोच रहा हूँ कि ये क्या गाएगी बेचारी, ये तो अभी बच्ची है। और ये कहते मैं ऑडियंस में बैठ गया, जब उसने गाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इसके बाद क्या गाऊँगा। सो दुनिया में हर फूल का एक अलग रंग है, उसकी एक अलग फ्रेग्रेंस है। बिल्कुल ऐसी, तो ये बड़ी अच्छी बात। अच्छा, सीखने सिखाने की जो आपने शर्जील बात की वो तो बड़ी अच्छी बात है। म्यूज़िक के लिए सुनना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि अच्छा म्यूज़िक आपने सुना हुआ हो? देखिए, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा गा पाएंगे, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि इंसान गाए ही खाली, बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा म्यूज़िक सुनना। क्या बात है, मैंने तो यही तक कहते सुना है कि दिमाग से गाया जाता है। बिल्कुल, गले से बाद में गाया जाता है, पहले आप ऐसे ही है। आमद जब भी होती है यहाँ पे होती है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे उतारी जाती है और फिर इधर उतरती है। हाँ जी, वाह वाह, अगले शख्स के सुनने वाले के जी दिल में उतरती है। जी बिल्कुल, ये बड़ी प्यारी बात है और बड़ा प्यारा ये सफर है म्यूजिक का। एनीवेज जी, गपशप लगती रहेगी, और पॉल वॉटकिंस बड़े चुप चुप है मैं इनसे। पॉल, मुझे ही बताएं आप कि आप जो ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह, कि आप गिटार भी इतना अच्छा बजाते हैं, देन ढोलक भी इतनी अच्छी प्ले करते हैं, आपका अपना दिल इस शो के हवाले से पूछ रहा हूँ किस में ज़्यादा लगता है, गिटार्स पे या ढोलक पे? मैं तो नुमान भाई क्या कहा जाए, क्योंकि मेरा तो यानी काम जो है रिदम्स का है, और आपको पता ही है सब, और मैं तो कुछ भी हुए करते हुए यानी नहीं वो शर्माता। आपको ये होता है मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे लिए वो इक्वल है। वेरी नाइस, क्योंकि मेरे लिए कोई उसके अंदर वो नहीं है डिफरेंस। जबरदस्त, चले जी अब एक काम करते हैं कि हम अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं, और हमने बड़ा मेहनत से बड़ा एक खूबसूरत सा मेडले तैयार किया बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर रहते हुए, एंड हैट्स ऑफ टू आवर म्यूजिक बैंड के जिन्होंने हमें इसमें सपोर्ट किया, और हम दोनों फर्स्ट टाइम एक साथ गा रहे हैं। बिल्कुल, और आपको सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है, आपके साथ गाते हुए मुझे वाकई बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा एक मेरे लिए एक एक्सपीरियंस होगा। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ विच इज़ अ मेडले, और देखते हैं कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। कर दिया साकीन फिर से मेरा जाम भर दिया हो ऊंचा कोई तेरे नाम कर दिया साकीन फिर से
जाम भर दिया घूम चकोई जैसा कोई नहीं इस जहान में तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में सुबह को तेरे शाम कर दिया हो साकिन फिर से मेरा जाम भर दिया ऊंचा कोई सावन भी तो जाए पे हरवा मन मेरा घबराए मन मेरा घबराए सो गए परदेश पिया तू है सो गए परदेश पिया तू चैन हमें नहीं आए चैन हमें नहीं आए मोरा सजना मुझसे बोले ना मोरा सजना मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर मोरा सैया मोसे बोले ना यार तुम्हें कितना करते हैं प्यार तुम्हें कितना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे तुम ये समझ नहीं पाओगे जब हम ना होंगे तो प्यारवा जब हम ना होंगे बोलो क्या कब आओगे बोलो क्या कब आओगे मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर Oh,
कहूँ तुमसे, आओ एक बात मैं कहूँ तुमसे, जाने फिर को ये कहे ना कहे, तुमको अपनी तलाश कर हम सफर को भी रहे ना रहे, तुमको अपने सहारे जीना है। तुमको अपने सहारे जीना है, ढूंढती कोई आसरा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ, आप अपने से तुम जुदा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। ज़बरदस्त जी, एक बड़ा अच्छा हम लोगों ने दोनों ने मिलके गाया और आप लोगों ने हमारे साथ परफॉर्म किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मज़ा आया है ना, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए लाइफ। ऐसे ही है। अच्छा शजील, मुझे बताएं कि डू यू बिलीव इन गोस्ट्स? आपको जिन्नात भूत वगैरह के ऊपर यकीन है या आपको? आई नो कि आपने कहा कि यार नुमान ने एकदम से मुझसे आउट ऑफ द वे ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया, बट ये ज़रूरी है ये पूछना। बिलीव नहीं करता, नहीं करते, बट है ज़रूर वो, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने ईमान में पुख्ता हैं तो आपको ये चीज़ें कुछ भी नहीं कह सकती। और क्या आपको लगता है कि इस वक्त कोई प्रेजेंस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है? होगी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन इसलिए कि आप हमारी हर एपिसोड में देखेंगे कि हम इसका जिक्र ज़रूर करते हैं और हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो
बड़ा इसको कैजुअली लेते हैं, शुरू में लाइटली लेते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जाते हैं तो उस टाइम तक उनका बिलीफ बड़ा पक्का हो चुका होता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। आपसे भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे कुछ अरसे से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही थी जो बड़ी अबनॉर्मल किस्म की हैं और जो सुपरनेचुरल किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। यानी मसलन इधर एक हमने चूल्हा रखा हुआ है जो कि मॉर्निंग शो में यूज़ होता है और वो खुद ब खुद जल पड़ता है, और बाज़ दफ़ा फ्रेम्स जो हैं वो खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि इनका कीबोर्ड बंद हो गया बजते बजते, ड्रम किट बंद हो गई, गिटार खुद ही बज रहा था। अच्छा नहीं, वो और भूत है वो किराए पे रहते हैं। ये मालिक है। नहीं वैसे ये इट इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, और ये हमारा जो ये स्टूडियो है ये थोड़ा सा आसे भी है, सो मैंने कहा आपको बता दूँ, पता चले कोई ऐसा राग ना हम लगा दें कि उसको बुरा लगे। अच्छा मुझे बताएं, हर राग की एक अपनी शक्ल होती है और अपना वक्त होता है। बिल्कुल ठीक है जी। अब मुझे एक बताएं कि अगर तो ये बात सही है तो ऐसा क्यों है कि बाज़ दफ़ा कोई सुबह का राग इंसान रात को भी गा रहा है और इतना खूबसूरत उसने गाया और वो रच गया? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया मैंने। बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है, मैं और शानियाल जब जैम करते हैं तो कुछ भी हम सुबह का राग शाम में गा रहे होते हैं, अहीर भैरों वगैरह जैसे भी, सही, तो वो एकदम से रच जाता है। तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि अगर ये सुबह का राग है और ये अभी मैं गा रहा हूँ तो ये अभी कैसे आप मतलब इतना कैसे इसका माहौल बन गया? फिर मैंने ही अपने बड़ों से पूछा, मैंने कहा ये इसका क्या होता है, मतलब ये क्यों, इसकी वजह क्या है? आप तो कहते हैं ना कि मतलब राग टाइम टेबल है हर राग के, तो उन्होंने बोला जब आपके गाने में ब्लेसिंग होती है ना तो फिर माहौल बनना शुरू हो जाता है, वो फिर वक्त खुद ही वो बन जाता है। क्या कहने, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सुबह का राग सुबह के टाइम गाया जाए, ठीक है, या रात का राग, यानी वो स्पेसिफिक वक्त है उसका, लेकिन उसको हम किसी भी टाइम गा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। खान साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे शामिल भाई, बिकॉज आपका कहना बड़ा माने रखता है, आपने माशाल्लाह आपको म्यूजिक का पता है, आपको यू नो रागों का सुरों का पता है, सो ये जो रचाव होता है, कहते हैं ना कि यार रच नहीं रहा ये, या फिर रच ऐसा जाता है कोई गाना कि उसके बाद किसी और राग में निकलने का दिल नहीं कर रहा होता, ये क्या कुछ जादू है म्यूजिक, क्या है ये? जादू ऐसे तो नहीं है, ठीक है, बस जो भी राग आप या जो भी सॉन्ग आते बस दिल से गाएं और अच्छे तरीके से उसको निभाएं, ठीक है, खुद ही रच जाएगा। जबरदस्त, तो ये आपने अच्छी बात की, और दिल से जब तक आपका अपना रू नहीं लगेगा उसके तब तक आप नहीं वो बनता, रचाव नहीं बनता है। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपने हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म के एक गज़ल तैयार करके रखी है, एंड बहुत उम्दा गज़ल है, बताना चाहेंगे कुछ उसके बारे में? मैं गज़ल सुनाऊंगा आपको, आज जाने की जिद ना करो, वाह, जो कि फरीदा खानम जी ने क्या कहना गाई है और मैं पेश करूंगा। जबरदस्त, और फरीदा खानम जी हमारे मुल्क का असासा है, लेजेंड है, और गजल को जितना अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा बहुत कम फीमेल सिंगर्स ने कहा, और जरूर हम सुनना चाहेंगे, और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया इसके ऊपर म्यूजिक के साथ, है ना, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक पे विच इज अ गजल, एंड उसके बाद वापस आते हैं। बालमारे ओ केसरिया बधारो मारे देसरे बधारो मारे तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम जान जाती उठ के जाते हो तुम
जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा। बात इतनी आज जाने की जिद ना कर, आज जाने की जिद ना कर, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, उसन और इश्क की आज मेराज है, कितना मासूम रंगीन है ये समा, उसने और इश्क की आज मैं कितना मार ज़बरदस्त ही क्या कहने, बहुत आला, बड़ी ज़बरदस्त आपने गज़ल बड़ा इसको पुख्ता तरीके से और अपने अंदाज में गाया आपने। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कोई भी गाना गाते हैं तो आप उसको अपना जब समझ के और अपना बना के जब गाते हैं तो फिर आप बड़ा अच्छा, कॉपी करना मैं नहीं समझता हूँ ये आजकल एक ट्रेंड, मैं बिल्कुल आपको पता है मैं तो यंगस्टर्स को हमेशा प्रमोट करता हूँ थ्रू माई शोज़, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड है कि एक सिंगर हिट होता है
और सारे सिंगर्स उसकी आवाज़ को कॉपी करना शुरू हो जाते हैं. ये कैसा ट्रेंड है आपके नज़दीक? और इंसान का अपना फ्लेवर, एक अपनी आवाज़ या उसका अपना अंदाज कहाँ चला जाता है? अगर ये बात सच है तो फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने तो किसी को कॉपी नहीं किया, मेहदी हसन खान साहब ने तो किसी को कॉपी नहीं किया, गुलाम अली साहब ने किसी को कॉपी, लोगों ने उनको ज़रूर कॉपी किया. तो ये कॉपी करना और इंस्पिरेशन लेना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. आप क्या कहेंगे इसको? मैं यही कहूँगा कि देखें, कॉपी करना नहीं चाहिए. नहीं कॉपी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो आपको मिला हुआ है आप उसको अच्छे से आप अपना एक स्टाइल बनाएं. ठीक है, ठीक है. बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई आर्टिस्ट पसंद हो, ठीक है, आप उसको सुने. इंस्पिरेशन, यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. वो भी अगर नहीं होगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते. नहीं बढ़ सकते, इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है. yes, ये जरूरी है. फिर आप अपने आप में ही रहेंगे. बिल्कुल सही है. और मेरे लिए, मेरे मेरा घराना, पटियाला घराना, उसमें ही जितने भी आर्टिस्ट थे, उस्ताद अमानत अली साहब से लेके फतेह अली खान साहब, ओवरऑल जितने भी, बिल्कुल ठीक है. मेरे मोस्ट फेवरेट जो आर्टिस्ट, शफकत भाई, शफकत अमानत अली साहब, क्या कहने, क्या कहने. और हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा, ठीक है, मतलब. बट ये है कि मुझे उनको गाना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. बाज़ औक़ात कई जगह पे मुझे लोग कह भी देते हैं, यार आंखें बंद करो और शफकत अमानत अली लगता है. मैं हंस पड़ता हूँ. मुझे पता है कि मैं कभी कभार उनको गाता हूँ. बचपन में मैं उनको सुनता था, उस्ताद अहमद अली साहब को या शफकत भाई को, खान साहब को, तो मैं सोचता था कि मतलब मैंने इस तरह का बनना है, ठीक है. मुझे ये बड़ी पसंद थी, ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं. तो क्लासिकल, क्योंकि वो फिर घराने से, तो वो स्टाइल तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि वो अगर आप नहीं सीखते तो वो आप ये नहीं होता कि आप क्लासिकल गा रहे हो तो आप किसी घराने के मतलब गायना, उस घराने की गायकी से निकल जाए. हाँ जी, यार तो वो समझ गया मैं. वो गाने, वो जो गायकी होती है क्लासिकल, वो आप उस घराने का अंग जरूर होना चाहिए, होना ताकि चाहिए, लोगों को पता चले एक सिग्नेचर. हाँ जी, कि ये पटियाला गाने से है. बिल्कुल अच्छी, क्योंकि उनकी ताने जो भी है, बंदिशें, सही, जितना भी क्लासिकल है, वो आपको आना जरूरी है, आना जरूरी है. बाकी गाने की बात है तो अब मैं जब माइक पे खड़ा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने अपना कुछ करना है, ठीक है, ठीक है. क्योंकि जिनसे मैंने सीखना था वो तो जाहिर बात है मैंने उनको देख के ही मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, बट स्टाइल अपना अब आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात आपने की है. कि और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप, आपके स्कूल ऑफ थॉट से आपका ताल्लुक है, ये बड़ा ज़रूरी है. कि जिस तरह हम अगर शाम चौरासी घराने का देखते हैं तो उनका एक अपना स्टाइल है, एक अपना अंदाज है, और पटियाला का अपना अंदाज है. इसी तरह गज़ल गायक हैं जिस तरह मेहदी हसन खान साहब, उनकी हम गज़ल सुनते हैं और गुलाम अली साहब की गज़ल सुनते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट नज़र आते हैं, और दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अमेजिंग, और दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं. सो ये बड़ी अच्छी बात आपने की है. और यहाँ पे यंगस्टर को मैं भी यही कहना चाहूँगा, यंगस्टर्स को, कि आप इंस्पिरेशन ज़रूर लें. बिकॉज जिस तरह अभी शर्जील ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की, कि बग़ैर इंस्पिरेशन के आप कहीं नहीं जा सकते. इंस्पायर ज़रूर हों, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को सुने, उन जैसा बनने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन उनको कॉपी ना करें. आप कोशिश ये करें कि आपका अपना वोकल टोन हो, आपकी अपनी आवाज़ हो, अपना अंदाज हो, जिसको आप प्रमोट करें, जिसको आगे लेके चलें. एंड यंगस्टर्स की बात आ रही है तो यार अभी काफ़ी हमने मैच्योर ऑडियंस के लिए तो हमने काफ़ी कुछ गाया है जो सुनने वाले लोग हैं. अब हम ज़रा थोड़े से यंगस्टर्स के लिए भी कुछ करते हैं और थोड़ा मॉडर्न कुछ पॉप टच देते हैं. और बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रैक है, मेरे तो बहुत फेवरेट है, नजम शराज. मैं ये समझता हूँ कि लाइव जबरदस्त, जितना अच्छा वो गाते हैं अपने अंदाज में, वैसा बहुत कम लोग गा सकते हैं. बिल्कुल. सो नजम भाई, वेर एवर यू आर, वी लव यू. एंड ये जो ट्रैक है मेरी तरफ से, एक बहुत छोटा सा आपके लिए ट्रिब्यूट है, जो कि हम आपकी नज़र करते हैं. एंड चलते हैं. मैं मिला के देखो ये
धोखा भी खा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। दूरी में क्या छुपा है इसका खोज लगा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। आज की रात बहुत काली है, सोच का दीप जला के देखो, आज की रात बहुत काली है, सोच का दीप जला के देखो। दिल का घर सूना पड़ा है, चुपकी धूम मचा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। अकेली शाम की चुप में ठीक पुराने गा के देखो, किसी अकेली शाम की चुप में गीत पुराने गा के देखो। दिल का घर सूना पड़ा है, चुपकी धूम मचा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। दूरी में क्या छुपा है इसका खोज लगा के देखो, मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, इनसे मैं मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। जी सर, कैसा लगा आपको? जबरदस्त, ठीक था। आप लोगों की वजह से यार अच्छा लगा है। और ये सॉन्ग इतना अच्छा साउंड किया है, तो हमने ये सोचा कि हर तरह का फ्लेवर जरूर ऐड करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, बिकॉज कोई भी एक्टर होता है, अगर वो टेलीविजन एक्टर है या थिएटर एक्टर है, उसका अल्टीमेट पैशन यही होता है कि वो बड़ी स्क्रीन पर नजर आए। इसी तरह कोई भी सिंगर होता है, चाहे वो जिंगल्स गाता है या वो यू नो कवाली करता है या गजल गाता है, उसका भी एक अल्टीमेट डिज़ायर ज़रूर होता है कि वो एक प्लेबैक सिंगर ज़रूर बने और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज़रूर गाए। जिस तरह अभी आपने शफकत भाई की बात की, ही इज़ एन अमेजिंग प्लेबैक सिंगर, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि वो क्लासिकली माशाल्लाह ट्रेंड है, लेकिन वो उनकी आवाज़ उतनी मॉडर्न भी है। सो मुझे ये बताएं कि आपका दिल करता है कि प्लेबैक सिंगिंग की तरफ भी आऊँ मैं और पाकिस्तान की जो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है फिल्म की, उसका हिस्सा बनूँ?
किसका नहीं करता। अच्छी बात है। बट ये है कि उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक ठीक है। और हर तरह से आपको देखना पड़ता है कि मुझे कैसा बनना है वहाँ तक जाने के लिए। तो वो ज़रूरी है, देखें मतलब क्योंकि ये अगला मरहला होता है आपके लिए वहाँ पे जाना, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होना चाहिए, होना चाहिए। और प्लेबैक सिंगिंग एक बाकायदा बड़ी सीरियस एक चीज़ है ऐसी, और पिक्चराइज किए हुए गाने के ऊपर गाना, जैसे रफ़ी साहब गाया करते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब, क्या बात। और हमारे यहाँ अहमद रुश्दी साहब, जब वहीद मुराद पे उनकी आवाज़ आती थी कितना मज़ा आता था। आप मुझे बताएं, आप लोग माशाल्लाह क्योंकि म्यूज़िक को समझते हैं, आपको नॉलेज है, मुझे ये बताएं कि हमारी बिल्कुल ऑनेस्ट बताना है, आपको बताएं हम इस शो के अंदर कोई ऐसी झूठी बात नहीं कर सकते, हमसे होगी भी नहीं। आर यू सेटिस्फाइड कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में जो म्यूज़िक बन रहा है, आर यू सेटिस्फाइड कि वो अच्छा बन रहा है? नुमान भाई, जो पहले म्यूजिक बनता था वो ज्यादा अच्छा था। हाँ ना, ज्यादा मेहनत की जाती थी, वो हम आज भी सुनते हैं। क्या बात है, आजकल का म्यूजिक जो बन रहा है वो हमें याद नहीं, लेकिन पुराना जो म्यूजिक है वो याद है, वो याद है। मेलेडी होती थी, कंपोजिशंस होती थी, फिर टाइम लगता था। ओह हो, टाइम लगता था, कंपोजर का काम होता था कंपोज करेगा, बिल्कुल ऐसे। वो अरेंज वो नहीं के वक्त नहीं बैठेगा, बिल्कुल ऐसे। अरेंजर एक और होता था, बिल्कुल। लिरिसिस्ट एक और होता था, बिल्कुल ऐसे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो पुराने दौर में म्यूजिक इसलिए अच्छा लगता था कि बिकॉज़ उस पे मेहनत की जाती थी। और अब तो ऐसा है नुमान भाई, एक घंटे के अंदर गाना आपका पूरा, एक घंटे के अंदर गाना पूरा कम्पोज होके, और हाथ में आपके थमा देते हैं कि सर ये सी डी आपके की नज़र है और ये आप सुनिएगा, उसके अंदर बस म्यूज़िक ही म्यूज़िक होता है। और वो जो मेलोडी हारमोनियम के ऊपर जो कंपोज किए हुए गाने, लोगों को क्यों ना याद रहे, बिल्कुल। सुरा भी गा रहे हैं तो उसको भी सुर में कर देते हैं, सुर में कर देते हैं। हमारे यहाँ इस शो के अंदर आप नहीं कर सकते, स्टूडियो जैसे जिसने गा दिया, क्यों? क्योंकि बिकॉज बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं बहुत अच्छे हैं, हम उनको बहुत शौक़ से देखते हैं, लेकिन उसमें यू नो वोकल ट्रीटेड होते हैं, उसमें ट्यूनर भी लगा होता है। तो हमारे यहाँ पर कोई ट्यूनर नहीं होता, शायद भाई जो है उनके हाथ में हमारी जो पूरी ये शिप है, और शायद भी कमाल के बंदे हैं, और शायद भी वी लव यू एंड आई रियली लव योर टी शर्ट। आपने आज जो टी शर्ट पहनी है जो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। एनीवेज जी, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात हो रही है, प्लेबैक सिंगिंग की बात हो रही है, तो क्यों ना हम शर्जील से एक ज़बरदस्त किस्म का एक पाकिस्तानी फिल्म का जिसका नाम है जानान, वो क्यों ना सुने। और आपने बड़े इसको अपने अंदाज में देखा है इस सॉन्ग को, और उसके अंदर कुछ यू नो अपना भी करने की कोशिश की है। सो हम आपसे वो गाना सुनते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आप आए हमारे शो में, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके फ़न में और मज़ीद निखार पैदा करें, और आप आगे से आगे इंशाल्लाह ताला तरक्की करें, हमारी दुआ है आपके लिए। एंड आपके लिए भी यंग मैन, कि अल्लाह आपको बहुत आगे लेके जाए। थैंक यू वेरी मच, आपकी भी कॉर्ड सेंस बहुत अमेजिंग है, मुझे आपने बड़ा इम्प्रेस किया, बड़ी यंग एज में बड़ा अच्छा मैच्योर प्ले कर रहे हैं। एंड आपकी जो आप जो हम्बल है ना, कि आपने कहा कि मुझे गिटार नहीं बजाना आता, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मुझे गिटार बजाना। एनीवेज़ आप लोगों का शुक्रिया, बैंड आप लोगों के बगैर तो हमारा यू नो ये शो बिल्कुल ही अधूरा है। हमारे प्रोड्यूसर्स साहब का शुक्रिया, और मैं वाकई आज के शो में ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, बिकॉज एज अ व्यूअर जब मैं इस शो को देखता हूँ, नॉट दैट ये हमारा शो है तो हम इसकी तारीफ करें, लेकिन मैं एज अ व्यूअर बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि उसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब की मेहनत नज़र आ रही है। मुदस्सिर का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुडी, वेल डन। और पूरी टीम, मतलब हमारी पूरी टीम, हमारे कैमरा डिपार्टमेंट, हमारे एडिटर्स यासिर ऑफ कोर्स, हमारे साउंड इंजीनियर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आपको एक बहुत खूबसूरत सा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक गाना सुनवाते हैं। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। खुशी चराहों में थी
से रोशनी जिंदगी में जी तुझसे खुशी चरागों में थी तुझसे रोशनी और मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी तुझको ढूंढूं मैं कहां जाना खुशी तुझसे जुड़ी अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी